हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित तिवारी और इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, वी हैव बीन स्टडिंग द थर्ड लेसन ऑफ स्नैपशॉट बुक रंगाज मैरिज, एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन दैट द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी वांटेड रंगा टू विजिट शास्त्री, हु इज़ द प्रिस्ट ऑफ द विलेज, एंड फॉर दिस ही हैड प्लान्ड एवरीथिंग विच शास्त्री हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ रंगा, सो दैट रंगा कुड एडमिट हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रत्ना। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस स्टोरी। Ranga accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! Have not seen you for a long time." Ranga ने बिल्कुल भी protest नहीं किया मेरे साथ शास्त्री के पास जाने में, और जैसे ही हम शास्त्री के पास पहुँचे, शास्त्री ने हमें देखा और बड़े ही उत्साह के साथ कहा, "What a surprise, Shyama! इतने दिन से तुम कहाँ थे?" श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, द नरेटर ऑफ दिस टेल। अब यहाँ पे नरेटर जो है अपने नाम के बारे में बता रहा है कि उसका नाम श्यामा है, और श्यामा कोई और नहीं, इस स्टोरी का नरेटर है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग? शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी? हैड ही नॉट डन सो, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. और जैसे ही शास्त्री ने सरप्राइज होकर मुझसे ये पूछा कि श्यामा तुम इतने दिन से कहाँ थे, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, अरे सुबह ही तो। तब तक मेरी बात को काटते हुए शास्त्री ने कहा कि तुम्हें अब समय मिला है अपने सारे कामों को पूरा करके मेरे पास आने का। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात नैरेटर बताने वाला है। अब जैसा कि शास्त्री के पास वो पहले ही पहुँच चुका था और सारी बातें शास्त्री को बता चुका था कि जब मैं रंगा को लेके उनके पास आऊँगा तो शास्त्री को रंगा के सामने क्या क्या बोलना है, तो अब ये बात रंगा से छुपानी थी। लेकिन जैसे ही शास्त्री ने पूछा कि इतने दिनों से तुम कहाँ थे, तो मुझे याद आया कि मैं तो आज सुबह ही आया था शास्त्री जी के पास और वो भूल गए। तो शास्त्री जी ने स्थिति को संभालते हुए मेरी बातों को बीच में ही रोकते हुए कहा कि मुझे अभी समय मिला है अपने सारे कामों को ख़त्म करके शास्त्री से मिलने का। तो इस तरीके से भांडा फूटने से शास्त्री जी ने बचा लिया। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड, और इसके बाद जो भी मुझे कहना था उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना था। शास्त्री टर्न टू रंगा, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम? तब शास्त्री जी रंगा की तरफ मुड़े और पूछा, हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का बेटा जो है कब आया? व्हाट कैन आई डू फॉर हिम? इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये कभी कभार ही हमारे यहाँ आता है। Take out your paraphernalia. Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Shall we put your science of astrology to the test? तब जैसे ही शास्त्री ने पूछा कि मैं रंगा के लिए क्या कर सकता हूँ, तो नरेटर ने कहा कि अपना सारा साजो सामान आप निकाल लो, क्योंकि हमारे रंगा के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और आपको बताना होगा कि आखिर उसके साथ क्या समस्या है, वो क्यों चिंतित है। यहाँ पे पैराफ्रेनेलिया का मतलब होता है साजो सामान, जो भी छोटे मोटे चीज़ें होती हैं जो आवश्यक होती हैं किसी काम को करने के लिए। यहाँ पे साजो सामान से मतलब है कि जो पत्रिका पृष्ठ लोग अपने पास रखते हैं जिसे देख के लोगों का भाग्य बताते हैं, और बाकी और सारे चीज़ें जिनका इस्तेमाल एक एस्ट्रोलॉजर करता है किसी का भविष्य बताने के लिए, उसी को नैरेटर कह रहा है कि इन सब चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि रंगप्पा के बारे में यहाँ पे आपको यहाँ कुछ बताना है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और फिर नैरेटर कहता है कि क्या हम आपके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसका टेस्ट ले सकते हैं? हमें आज देखना पड़ेगा कि आपका जो ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का वो कितना सही है। आपको बताना पड़ेगा कि रंगा के दिमाग में
क्या चल रहा है, आखिर वो क्यों परेशान है, वो क्यों चिंतित है। There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out two sheets of paper, some cowries and a book of Palmyra leaf saying, Ours is an ancient science, Aya. There's a story to it, but I won't tell you that story now. This is not Harikatha, which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell it to you some other time. और ऐसा कहते हुए कि हम आपके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज को देखना चाहते हैं, मेरी बात में गंभीरता थी, मेरी बात में एक अथॉरिटी थी जब मैंने शास्त्री से इन बातों को कहा। और शास्त्री ने दो पेपर निकाले, दो पेपर के टुकड़े निकाले, कुछ कौड़ी निकाली और एक पाम के लीप्स को निकाला और फिर उन्होंने कहा कि हमारा साइंस जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही एंशियंट है और इसके पीछे एक कहानी है। लेकिन आज ये कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये कोई हरिकथा नहीं है जिसमें कि स्टोरी के अंदर स्टोरीज होती हैं, और आज मैं आपको ये हरिकथा सुनाने लगूंगा तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, इस वजह से ये मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। यहाँ पे कौड़ी का मतलब एक तरीके का क्वाइन बहुत पहले चलता था जिसको कि लोग एक्सचेंज के लिए यूज़ करते थे, ख़रीदारी के लिए यूज़ करते थे। आज की डेट में ऑब्सलीट हो चुका है। और हरिकथा, हरिकथा जो है एक तरीके की कहानी होती है जिसमें कई सारी कहानियाँ एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है आती रहती हैं और सब कहानियाँ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। तो वही शास्त्री जी कह रहे हैं कि आज उनके पास इतना समय नहीं है और ये कहानियाँ सुन के कहीं आप लोग बोर न हो जाएं, इस वजह से फिर कभी किसी दिन इस हरी कथा को मैं सुनाऊंगा कि हमारे एस्ट्रोलॉजी के पीछे या हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान के पीछे क्या कहानी है। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क्ड, व्हाट्स योर स्टार। और शास्त्री ने धीरे धीरे अपने होठों को हिलाया और उंगलियों पर कुछ गिनते हुए पूछा, तुम्हारा स्टार क्या है, यानी तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को नहीं पता था। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, इट्स अबाउट अ गर्ल। अब चूंकि रंगा को अपने स्टार के बारे में या अपनी राशि के बारे में नहीं पता था तो नैरेटर ने कहा कि छोड़ो, और अपने सिर को हिलाते हुए शास्त्री से कहा। और फिर शास्त्री जी ने कुछ और कैलकुलेशंस करते हुए बड़े ही सीरियस टोन में कहा, ये जो मामला है, ये रंगा की चिंता का जो मामला है, वो एक लड़की के बारे में है। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। और ये बातें सुन के जो नैरेटर है वो बड़ी मुश्किल से ही अपनी हंसी को रोक पा रहा था, और इसलिए वो कह रहा है कि ये जो भी बातें शास्त्री और रंगा के दरमियान हो रही थी, इन सारी बातों को सुन के मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि सारा का सारा किया धरा, सारा का सारा प्लान जो है वो मेरा ही बनाया हुआ था, और शास्त्री जी बड़े ही मजे हुए तरीके से इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग आई टर्न टू रंगा। लेकिन अभी मेरी हंसी जो है फूट पड़ती है और हंसते हुए मैं रंगा की तरफ मुड़ता हूँ। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, बिल्कुल ऐसा ही मैंने कहा था। हु इज़ द गर्ल, कौन है वो लड़की। It was your humble servant who asked the question. Shastri thought for a while before replying. She probably has the name of something found in ocean. और कुछ देर के बाद शास्त्री जी ने जवाब दिया, संभवतः उसका नाम जो है ओशन से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है, सागर से रिलेटेड है। कमला, मे बी, क्या कमला है, हो सकता है। Could it be पक्षी, मॉस, क्या ये काई है, पक्षी जिसको कि उनके लोकल लैंग्वेज पक्षी कहा जाता है। मॉस मतलब कि जो काई समुद्र में जो है पड़ी रहती है, जिसको सैवाल कहा जाता है।